तो हम कई सालों से इसका प्रयास रेलवे जो है के मीरा रोड लोकल चालू कराना है, ये हमारा कई सालों से प्रयास है। बोरीवली से विरार तक के उसको सिक्स ट्रैक जब हो जाएगी तो मीरा रोड रेलवे भी शुरू होगी। रेलवे 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स प्लान पे काम करती है, लेकिन कॉन्स्टेंट परसुएशन वहाँ पे ज़रूरी होता है जो हम लोग करते रहते हैं। स्टेशन के ऊपर अभी देखिए एक एस्केलेटर लगा है, उसे लगाने के लिए हमने 2015 में प्रपोजल किया था कि 4 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर चाहिए, तब जाके उसमें से एक लगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेलवे का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीरा रोड और भयंदर में रहने वाले लोगों के लिए रेलवे सब में मुंबई की लाइफलाइन है। वो तो वर्ल्ड प्रसिद्ध है कि मुंबई की लाइफलाइन का रेलवे है, तो सुविधाएँ बढ़नी चाहिए, अच्छी होना चाहिए। चर्चगेट से लेकर तो पूरे ढानू तक के इतना सुंदर स्टेशन का परिसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी ने देखा तो मुझे बताइए कि सर आप गलत बोल रहे हैं। और वीटी से लेकर अमरनाथ बदलापुर तक के भी अभी पता लगा कि हम सत्ता से हट गए तो जितना काम हम लोगों ने किया उतना ही बड़ा है। वहाँ की लाइट्स भी अंदर चालू नहीं किया है, बल्कि हॉकर्स की जमावड़ा वहाँ पे हो गया है। गार्बेज टैक्स आपके ऊपर डबल लग गया है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स आप पे लिया जाता था उस पर गार्बेज टैक्स आप पे डबल लगा दिया है। पानी कम हो गया है, पानी 24 घंटा आ रहा है ना, अभी आपको 24 घंटा पानी मिलता है ना, आंटी बोल रही 24 घंटा आता है पानी। सबको नहीं आता है, म्युनिसिपैलिटी का पानी 24 घंटे में। 1.5 साल पहले इलेक्शन में यहाँ पे पूरे शहर में होर्डिंग लगी हुई थी कि 24 घंटा पानी आपको मिलेगा, वो पानी आपका आया नहीं, लेकिन 7 रुपए से 14 रुपए का पानी का बिल आप 5 साल में भर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? अगर आप लोगों को मालूम होगा तो हाँ बोलोगे, और अगर म्युनिसिपैलिटी का पैसा आप लोग भरते नहीं है तो चुप बैठोगे। 7 का 14 रुपया हुआ है, सही है गलत है? कचरे का टैक्स आप लोग डबल भर रहे हो, सही है गलत है? म्युनिसिपैलिटी 5 साल के अंदर 750 करोड़ रुपए के नुकसान में है। लास्ट 5 इयर्स अलोन ओनली इन 5 इयर्स 750 करोड़ रुपए का नुकसान में है। पैसा कहाँ गया? पोर्टल्स आपके सामने हैं, पानी आपका बड़ा नहीं, कचरा आपका उठता नहीं, रेलवे की सुविधा हुई नहीं, टॉयटक बना नहीं, कोर्ट हमने कोर्ट की बिल्डिंग जो बनाई थी कानाकिया के पास में 5 साल में वैसी पड़ी है, कोर्ट चालू हुआ नहीं। कमिश्नरेट एरिया पिछले 20 साल से हम फॉलोअप करते हैं, मेरा रिकॉर्ड आके आप देख सकते हैं। 9 साल में विधान परिषद में था, कॉन्स्टेंट हमने इस पर असेंबली क्वेश्चन और कॉलिंग अटेंशन लगा के इस प्रस्ताव को कहाँ लाके हमने खड़ा किया था। हमारा ये कहना था कि मीरा भयंदर को थाने पुलिस कमिश्नर के साथ जोड़िए, क्योंकि रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थाने है। अब इन लोगों ने बना दिया, सीएम ने आनंद फानन में इलेक्शन के लिए डिक्लेरेशन के लिए पालगढ़ के साथ जोड़ दिया, मतलब रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अभी आपका पालगढ़ हो गया पुलिस कमिश्नरेट का, और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आपका थाने हो गया। ऐसा पागलपन इन लोगों ने किया है, खाली आनंद फानन में इलेक्शन से पहले डिक्लेरेशन करना है, कर दिया। पुलिस स्टेशन यहाँ पे खाली 2 थे, हमने 6 बनाए। ट्रैफिक के पुलिस 0 थे, मैं विधान परिषद में था, 110 हमने लाया, उससे एक भी हवलदार बड़ा नहीं है। लोकल क्राइम ब्रांच का हमने ऑफिस चालू किया, वही है। डीवाईएसपी 2 हमने पास कराए थे, 2 डीवाईएसपी बैठते, वही है। पुलिस की संख्या बल जो 3290 थी उतनी ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो कोई भी ना लॉ एंड जुडिशरी में कुछ काम हुआ, ना पुलिस स्टेशन का हुआ, ना ट्रांसपोर्टेशन का हुआ, ना पानी का हुआ, ना रेलवे का हुआ, ना टोल टैक्स का हुआ, ना पोस्ट ऑफिस का हुआ। सिर्फ एक काम हुआ, शहर में भ्रष्टाचार बढ़ा और शहर में अन्याय बढ़ा। चाहे गरीब आदमी हो, मध्यम वर्ग का आदमी हो या अमीर आदमी हो, हर आदमी इस बात से त्रस्त है कि शहर में भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ा। पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर जमीन के रिकॉर्ड को 7-12 मिलते हैं, 7-12 बोलते हैं ना, 7-12 किसको मालूम है, 7-12। मगर मीरा भयंदर के अंदर गवर्नमेंट ने 7-12 चेंज कर दिया, उसको 7-11 बना दिया, 7-11 मालूम है आपको? किसको नहीं मालूम है, हाथ ऊपर कीजिए, नहीं मालूम है? पूरे शहर में 7-11 के बोर्ड लगे हुए, ईच एंड एवरी लैंड विच इज अवेलेबल वहां पे 7-11 का बोर्ड दिखता है। क्लब 7-11, स्कूल 7-11, ओपन लैंड 7-11, बिल्डिंग 7-11, अतिक्रमण 7-11, मार्केट 7-11, मैराथन 7-11, म्युनिसिपैलिटी का पैसा 80 लाख रुपए खर्चा किए, बैच के ऊपर 7-11 का एम्ब्लेम। मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत कुछ कर दिया,
हमने 30-35 साल सेवा करी, लेकिन पूरे शहर में ये कोई नहीं बोल सकता मुजफ्फर हुसैन और उसके परिवार ने कभी किसी का एक रुपया खाया, म्युनिसिपैलिटी का खाया, भ्रष्टाचार किया, किसी को सताया, किसी को तकलीफ दी, कोई गरीब पे अन्याय किया या म्युनिसिपैलिटी के ऊपर अपना कब्जा करके बनाया। मेरी मदर डिप्यूटी मेयर बनी, मैं 2004 में डिप्यूटी मेयर था, MLC बना, मैं MLC की शपथ लेने के पहले रेजिग्नेशन दे दिया मैंने, जबकि मैं दोनों पद पे बैठ सकता था, मैं डिप्यूटी मेयर भी रह सकता था और विधान परिषद का सदस्य भी बन सकता था। मगर जो उम्मीदवार आपके सामने है वो पूरा नगर सेवक भी रहा 2014 में MLA बनने के बाद 2017 तक, और MLA भी रहा। 2004 में जब मैंने ये कॉरपोरेशन छोड़ा, 2004 से लेके आज तक मैं वापस कॉरपोरेशन में नहीं गया, गया हूं तो पब्लिक की समस्याओं को लेके उंगली पे गिन सकते उतनी बार गया। मगर जो आपका आमदार है वो विधानसभा में तो एक समस्या उठाता नहीं है, विधानसभा के अंदर एक टेंशन उसका रहता नहीं है, और जब रहता है, जब अभी जवाब उसने दिया था तो आप लोगों ने उसको सुना होगा टीवी पे, रेडियो पे, ये कहा कि मेरे ऊपर एक केस नहीं है। क्या कहा? मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं है, अभी इलेक्शन के अंदर एफिडेविट फाइल हुआ, इसमें 22 क्रिमिनल केसेस है। तो कौन सी बात सच है? जो असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला गया वो सही था कि जो एफिडेविट में आज 22 केसेस ऑनलाइन इन पब्लिक डोमेन, 22 क्रिमिनल केसेस, वो सही है? ये कहा कि 7-11 क्लब मेरा नहीं है, विनोद मेहता का है। आज एफिडेविट के अंदर 7-11 कंपनी का क्लब का मालिक कौन है एफिडेविट में दिखता है। हम कंपेयर नहीं करते, लेकिन लोगों को तो, आप लोग को तो थोड़ा बताना पड़ेगा ना कि 35 साल में हमारा कैरेक्टर, चित्र, काम, पब्लिक इमेज आप लोगों के सामने है। ना कोई क्रिमिनल केस है, ना कोई चीटिंग के केसेस है, ना एंटी करप्शन के केसेस है, ना भ्रष्टाचार के केसेस है, ना हमारे पे है, ना हमारे परिवार पे है, ना माता जी पे। अरे मेरी माता जी भी जब डिप्यूटी मेयर बने तो उनके दफ्तर भी नहीं गया, चार्ज लेने के लिए पूरा 2 साल 2.5 साल वो रही, तब भी नहीं गए, क्योंकि हम ये मानते थे कि जिस जगह पे जो लोग चुन के आते हैं वो काम उनका है। आमदार करके चुन के आने के बाद में नगर पालिका में जाके बैठ करके काम करना वो नगर सेवकों का काम है, जबकि मेरे नगर सेवक लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि साहब वो लोग तो आते हैं बैठते हैं, आप आते नहीं हो, बैठते नहीं हो। तो मैं उनसे वही कहता हूँ कि नगर पालिका में काम करना आपका काम है, आपकी जो समस्याओं का समाधान नहीं होता राज्य स्तर के ऊपर, उसको सॉल्व करने का काम, उस न्यायपालिका, न्याय मंदिर के अंदर बैठ के कायदा बनाने का काम करना वो विधायक का काम होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का काम होता है। तो 30-35 साल हमारा काम आपके सामने है, 5 साल जिसको चुन के लोगों ने दिया था उसका काम और नाम भी आपके सामने है। फैसला आपको करना है कि आपका रिश्तेदार जो मुंबई के मीरा भयंदर के बाहर रहता है वो आपको ऐसा पूछे, अरे आपके वहां का विधायक वही है ना जिसकी गाड़ी लैम्बोर्गिनी है जो गरीबों के ऊपर चढ़ जाती है, अरे आपका विधायक वही है ना जिसके ऊपर 22 क्रिमिनल केस है, अरे आपका विधायक वही है ना जिसने मैंग्रोव को नष्ट किया है, अरे आपका विधायक वही है ना जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने के FIR दाखिल करने के लिए कहा है। तो इसका फैसला आपको करना है कि आपको आपका विधायक कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, नीट एंड क्लीन इमेज वाला चाहिए, जो शहर के और लोगों के हित में काम करे, जो सर्वधर्म समभाव के लिए काम करे। हमने तो जीती जागती मिसाल शहर में रखी, हिंदू स्मशान, कब्रस्तान, मुस्लिम बरियल ग्राउंड, सब कुछ बाजू बाजू में इसलिए रखा कि जीते जी भी हम साथ में, मरने के बाद भी हम साथ में, इसलिए रखा। 20 साल तक के अपने जेब के पैसे लगा के, जब नगर पालिका के पास पैसे फंड नहीं थे, 2000 के अंदर जब हमने इसको कॉरपोरेशन बनाया, नगर परिषद से कॉरपोरेशन बनाया, उस वक्त 2000 के अंदर अपने जेब में 6 करोड़ रुपया पर्सनल पैसा, MLC का फंड नहीं, आज तक हमने कभी बोला नहीं, लेकिन अभी हमारे सहयोगी कहते हैं कि साहब आप बोलिए, लोगों को पता ही नहीं, अपने जेब का 6 करोड़ रुपए 2000 में लगा के, मतलब 20 साल में अगर वो पैसे मैंने प्रॉपर्टी में लगाया होता तो आज शायद शहर में मेरे भी 7-12 होते, लेकिन हमने शहर के हित में काम किया, समाज के हित में काम किया, जॉगर्स पार्क बनाया। आज इन लोगों ने क्या किया, खाली सब जगह गेट बना दिए, एक एक गेट को 25-25-50 लाख उनका खर्चा करते हैं, अच्छे खासे गार्डन्स को नष्ट करते हैं, प्लेग्राउंड्स को नष्ट करते हैं, शांतिनगर के सारे प्लेग्राउंड्स खराब किया, शांति पार्क के अंदर के प्लेग्राउंड्स खराब कर दिए, और फलक और बोर्ड लगता है कि हमको बाबा ये
बच्चों के फोटो डाल करके वोट को गर्व है। शांति पार्क में जाके बच्चों को पूछिए क्या उनको गर्व है। जिस महिला के घर में गैस है जो 20 माले पे रहती है उसका फोटो लगा करके बोलते हैं कि मुझे गर्व है मेरे घर में गैस आ गया। मतलब 20 माले में रहने वाले 2 करोड़ के फ्लैट में, करोड़ रुपए के फ्लैट में लकड़ी का चूल्हा जलता था क्या? आपके ये जंक्शन के ऊपर एक मेट्रो का बोर्ड है, उसके ऊपर एक क्रिश्चियन भाई का फोटो है, वो पारवा में रहता है और उसको मीरा भयंदर में मेट्रो चालू होगी उसका घर। हर बार मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पर आए, हर बार भूमि पूजन किया, नौ स्टेशन का नामकरण मुख्यमंत्री ने 9 बार किया। अब जब चुनाव आया तो काशी मीरा भयंदर रोड के ऊपर पत्रे लगा करके रख दिए कि काम चालू हो गया मेट्रो का, वचन पूरा, वचनबद्ध, वचन पूर्ति। सभी समाजों को पिछले 5 साल में कहा गया, उत्तर भारतीय समाज उत्तर भारतीय भवन देंगे, अग्री समाज अग्री भवन देंगे, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के लिए भवन देंगे, प्रमोद महाजन का भवन देंगे, हर एक को भवन, बिहारी भवन, ये भवन, वो भवन, किसी का भवन नहीं दिया, सबका हवन कर दिया। झूठ बोल करके समाज के अंदर राजनीति लंबी नहीं चल सकती, और उसके स्पेशली मीरा भयंदर में तो बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं और कोई जाति धर्म भेदभाव के ऊपर वोट आज तक के शहर में लोगों ने नहीं किया और आप लोगों ने भी नहीं किया। अगर आप लोगों ने भी किया होगा तो शायद मैं कभी कॉर्पोरेटर भी नहीं बनता इस शहर के अंदर और आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित भी नहीं रहते कि हमको क्या लेने देगा। मुजफ्फर हुसैन तो एक अमुक कम्युनिटी का, हमारे को क्या संबंध है? तो आपके हमारे बीच में ये भावनाएं नहीं, हम ये चाहते हैं शहर का विकास हो, जो रुका हुआ काम है, जो इस शहर के लिए ज़रूरत है वो हम उसको पूरी करें और इसके लिए आप हमको मदद करें और हमें चुन करके भेजें, अपना प्रतिनिधित्व बना करके भेजें ताकि हम इस शहर के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ की लड़ाई में आप मेरा साथ दीजिए। दिस इज़ अ कॉल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस इन दिस सिटी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट मी एंड हेल्प मी एंड वोट मी 21 तारीख को इसके पंजे पर। मुझे मैंने पहले ही कहा कि मुझे पता है कि हमारी पार्टी आजकल आप लोगों को पसंद नहीं है, मगर यहाँ सवाल पार्टी का नहीं है, यहाँ सवाल शहर का है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये शहर का चुनाव है और इस शहर के चुनाव में आप अगर दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली के गलियारों में धूल हो जाओ। आपको शहर को देखना है और शहर में लोगों को देखना है कि किस व्यक्ति ने 35 साल में क्या किया है और किस व्यक्ति ने 5 साल में क्या कर दिया। इतना ही खाली आप देख लोगे तो मैं समझता हूँ आप सही फैसला करोगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे, क्योंकि आप ही लोगों के बोलने पर हमने ये कदम उठाया है। अगर आपने हमको उसी वक्त कह दिया होता कि साहब बिल्कुल मत लड़िए, हम आपको वोट वोट कुछ देने वाले नहीं है, हम तो धर्म के नाम पे वोट देंगे, हम तो धर्म की चाय पीते हैं, धर्म का खाना खाते हैं, धर्म की नींद लेते हैं, हमको शहर से कोई संबंध नहीं है, मगर आपने वैसा नहीं कहा। आप लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब, आपने काम किया है शहर में, हमने आपका काम देखा है और हमको आप जैसे व्यक्तिमत्व की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परिवार मेरे इस चुनाव में मेरे साथ में नहीं, क्योंकि डॉक्टर कहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये एग्जर्शन आप नहीं कर सकते। मेरा परिवार मेरे इस चुनाव लड़ने के फैसले से विरोध में है, बिल्कुल पूरे विरोध, क्योंकि जिस तरह की सर्जरी हुई है ये खाली भगवान की कृपा कही है और मेरे कर्म कही है, जो लोगों की सेवा मैंने की जो करता हूँ इसकी वजह से आपके सामने खड़ा हूँ। वरना 3 सर्जरी 18 महीने के अंदर स्पाइन की, वो भी L5-S1 की, पूरा जहाँ पे जंक्शन बॉक्स है, इट वॉज इम्पॉसिबल। आई वॉज लिटरली पैरालाइज्ड, मतलब मुझे बोलने को कोई वो नहीं है। लोग छुपाते हैं, पॉलिटिशियंस लोग छुपाते हैं, मैं छुपाता नहीं हूँ। मेरी जिंदगी पूरी शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू है। तो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था यहाँ से और लिटरली स्ट्रेचर पे से उठा करके मुझे हॉस्पिटल ले जा करके जो है इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ी। मगर उसके बावजूद देखिए, भगवान की, ईश्वर की, खुदा की कृपा है और ये सिर्फ लोगों की दुआ है और ये आप लोगों की दुआ है कि जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ। वरना मैं 2 टर्म MLC हो चुका हूँ, 9 बार MLC रह चुका हूँ, मतलब 2 बार MLC 9 साल रह चुका हूँ। राष्ट्रपति का पुरस्कार मुझे मिल चुका है पहले ही टर्म में, आपके सामने मेरा मैनिफेस्टो है। काम शहर में मैं कर चुका हूँ, 3 बार कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ, डिप्यूटी मेयर रह चुका हूँ, आज पार्टी का प्रेसिडेंट
चुनाव शायद नहीं लड़ता, पार्टी का प्रचार करके महाराष्ट्र में घूमता तो फिर से पार्टी एमएलसी बना ही डालती है मुझे, या तो राज्यसभा में सीट एक मिल ही जाएगी। मगर उसके बावजूद, क्योंकि जब मैं 8 महीना मेरे घर पे बैठते था, लोग आते थे मुझे देखने के लिए, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपको शहर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लड़ सकते हो, आप ही बचा सकते हो। तो मेरा पहला सवाल ये रहता था उनसे कि जो पूरे देश में जो पोलराइजेशन का माहौल जो चला है, एटमोसफियर जो है, इसका कितना इम्पैक्ट होगा। तो लोग ये कहते थे कि साहब पूरे हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, हम उसका नहीं जानते, मगर आपको लेके किसी भी समाज के अंदर कि आप एक विशेष समाज के व्यक्ति हो, ऐसा किसी के मन में भावना नहीं है। लोगों ने आपको, आपके परिवार को इतने साल देखा है, देश में पूरे दंगे हुए तब भी ये शहर शांत था, तो लोगों ने आपको हर समय देखा है, आजमाया है। इसके लिए पोलराइजेशन का इम्पैक्ट जो है शायद वही रहेगा, कम हो सकता है, इसे 1-2%, 5%, 10% पढ़ने की क्षमता नहीं। तो ये जब बातें मैंने सब लोगों से सुनी तब मैंने भी अपनी हिम्मत बांधी और फिर मैं आप लोगों के बीच आया। हर एक लोगों से मुलाकात करने के बाद ये फैसला हमने किया है और मुझे लगता है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। मैं चाहूँगा हाथ उठा करके बताइए भाई कि हमारा साथ आप लोग देंगे या नहीं। जिसने नहीं उठाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस शहर में सभी पार्टी के, चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो, जनता दल हो, समाजवादी हो, राष्ट्रवादी शिवसेना हो, सभी वर्कर्स के साथ में मेरा ऐसा एकदम व्यक्तिगत संबंध रहा है। कभी भी किसी भी समय कोई भी आया है और जो कुछ भी मदद उससे हो सकी हमने किया है, हमने कभी ऐसा भेदभाव नहीं रखा। मैं समझता हूँ ये हूँ वो ही क्रेडिबिलिटी है कि जिसकी वजह से आज मुझे समाज में सभी तरफ से इस तरह से जो है एक्सेप्टेंस मिल रहा है और मदद का हाथ मिल रहा है। तो मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ पे इतना समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम।